हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट लोकेशन। मैं हूँ स्नेहल वाडेकर और आज का हमारा लोकेशन काफ़ी नज़दीक है। जैसे कि बहुत सारे जन को पता ही होगा कि मुंबई में फ़िलहाल बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश आ रही है, तो मेरे लिए दूर का लोकेशन जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। सो आज का लोकेशन मैंने काफ़ी नज़दीक का सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे आज के इस लोकेशन का नाम है गौरी देवी वाटरफॉल, जो कि नवी मुंबई के घनसोली में लोकेटेड है। यहाँ घनसोली में आज मैं अप्रॉक्सीमेट 10 to 10:30 के आसपास पहुँची हूँ। आपको स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाती है, जो आपको नॉर्मली 100 रुपीज़ में पहुँचा देती है गौरी देवी वाटरफॉल्स की तरफ। घनसोली स्टेशन से आपको ऑटो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स में पहुंचा देती है गौरी देवी वाटरफॉल, और ये सामने है वाटरफॉल का एंट्रेंस। मैंने नॉर्मली आज की ये ट्रैक जो है वो 11 o'clock को स्टार्ट की है एंड अभी सुबह से यहाँ पे बहुत बारिश गिर रहा है, तो ट्रैक करने में अभी और भी मज़ा आएगा। वाटरफॉल्स तक का कंप्लीट रूट बड़े बड़े स्टोन्स एंड कीचड़ से भरा हुआ है, सो अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर आप एंटी स्लिपरी शूज पहन के आ रहे हो। ये सामने है वो रूट जहाँ से मैं आई एंड यहाँ पे और एक सामने रूट है, बट हमें वो नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है ये पीछे वाला रूट। ये वाटरफॉल नॉर्मली मुंबई में लोकेटेड है, तो मुझे लगा ये नॉर्मल सा वाटरफॉल रहेगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट से मुझे आगे होके जाना है, बट ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही आगे का रास्ता और भी ज़्यादा डेंस और सुंदर होते जाता है, बिकॉज आप नॉर्मल सिटी लेवल से बहुत ऊपर आ जाते हो। एंड फाइनली 30 to 40 मिनट्स के ट्रैक के बाद मैं पहुंच गई मेरे लोकेशन पे, जिसका नाम है गौरी देवी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल कोई भी हिडन वाटरफॉल नहीं है, ये वाटरफॉल बहुत सारे जन को पता है, सो अगर आपको यहाँ पे क्राउड एक्सपेक्टेड नहीं है तो आप इसे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे दिनों में आना प्रेफर कीजिए। और अब करते हैं वाटरफॉल में थोड़े मज़े, बिकॉज लास्ट व्लॉग में मुझे करने नहीं मिला था भीवपुरी वाटरफॉल्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश थी अगर आपने देखा होगा तो, बट कोई नहीं, मैंने दूसरा स्पॉट भी ढूंढ ही लिया था। एंड और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो आपके शूज़ के साथ साथ आपकी बैग एंड आपकी जो भी एक्सेसरीज रहेंगे उसे आप प्लास्टिक रैप करके बैग में डालिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बैग को भी कवर करके आइए, बिकॉज यहाँ पे वाटरफॉल में या फिर बारिश में आपकी बैग कब कैसे भीग जाए आपको समझ में नहीं आएगी। और अब थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे जहाँ से ये वाटरफॉल स्टार्ट होता है, एंड ये लोकेशन से आगे हमें अप्रॉक्सीमेट और एक 10 टू 15 मिनट्स और चढ़ना है।
और जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी वैसे ही फॉग भी बढ़ते जा रहा था। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ टॉप पे जहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और यहाँ ऊपर से नवी मुंबई का जो व्यू है ये बहुत अमेजिंग था। मॉनसून्स में जितना नेचर सुंदर दिखता है उतना ही डिजास्ट्रस भी हो सकता है, तो आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे आप संभाल के जाइए। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सेफ एरिया देखिए, मैंने और थोड़ा एंजॉय किया। फाइनली अगर आपको मेरा ब्लॉग देख के यहाँ पे आने का मन किया या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप आपकी एक वाटर बॉटल एंड खाने के लिए कुछ चीज़ें डेफिनेटली कैरी कीजिए, बिकॉज यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पे भी खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं। के ट्रिप को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड अब देखते हैं आज के हुए छोटे मोटे खर्चे।